फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मैं आपसे अपने तासुरात शेयर कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएं। जैसे कि इससे पहले मेरे जो वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने प्राइमरी एजुकेशन स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाए, मिडिल क्लास के स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाए वो बताया था। जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उन पर मेनली हमारा फोकस जो है उनको इस तरह से जो मोटिव रहना चाहिए कि उनको अच्छी हॉबीज़ और मैनर एटिकेट्स सिखाया जाए। उसके बाद जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में मैंने जो बताया था उसमें ये कंक्लूजन निकला था कि हम जो है अपनी टीचिंग मेथोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज और केस स्टडीज़ के ज़रिए से बच्चों को समझाएं। बस अगर बात आती है अब हमें कि जब हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो एजुकेशन होती है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी आपके 9th 10th 11th 12th, उसमें हमें किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारा मोटो रहता है, देखिए कोच की हैसियत, टीचर जो होगा इस सेगमेंट में कोच की हैसियत से काम करेगा। आप जानते हैं कोच जो है वो सिखाता नहीं है। अगर हम किसी भी गेम्स की बात करते हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, तो हम वहाँ पर जो कोच होता है वो सिखाता नहीं है, वो टेक्निक सिखाता है कि टेक्निक को कैसे इम्प्रूव किया जाए। इस पोजीशन पे यानी 9th से 12th तक हम एज ए टीचर कोच की हैसियत, हमें कोच का रोल अदा करना होगा। उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है वो मैं आपसे से शेयर कर रहा हूँ। पहली बात यह कि इस सेगमेंट के बच्चों से कभी भी रूड ना रहें, क्योंकि ये जो एज होती है, ये एज होती है 15 से लेके 18 एज तक, इसमें अगर आप रूड रहेंगे तो वो उनके आगे के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इस एज में बच्चे जो है थोड़ा सा चीज़ें भी ज़्यादा होते हैं, तो हमें हर चीज़ जो समझानी है वो प्यार मोहब्बत के ज़रिए से उनको समझाना है। पहली बात जो है नोट करने की ये है कि हमें कभी भी इस सेगमेंट के बच्चों को, जो सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चे हैं या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चे हैं, उसमें हम रूड बिल्कुल ना रहें और हमें उनको एज ए फ्रेंड जो है ट्रीट करना है शुरू से लेकर आखिर तक। दूसरी जो बात है उनको हम सुने ज़्यादा से ज़्यादा। अब तक जो हम प्राइमरी जो सेगमेंट था या फिर मिडिल क्लास का सेगमेंट था, हम उनसे उनकी नहीं सुनते थे, हम अपनी चीज़ों को बताते थे उनको। लेकिन अब यहाँ पर बच्चे सब समझदार होते हैं, सब चीज़ समझते हैं, बेसिक सारी चीज़ें मौजूद, अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है उनको सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए। दूसरी बात, रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग सेशन कराएं, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है मोटिवेशन की। यहाँ पे बच्चों को बिहेवियर इम्प्रूवमेंट का, फ्यूचर एस्पेक्ट क्या, यूनिवर्सिटी कौन कौन सी, अब 10th के बाद कौन सी कॉलेजेस में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, किस कोर्सेज में जाना है उनको, तो इस तरह के इसमें काउंसलिंग सेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम टेबल में अगर हम काउंसलिंग सेशन इंक्लूड कर दें तो जो है बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसके साथ साथ इसमें हमें बच्चों के साथ एक कॉर्डन रिलेशन बनाना है, एक रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और बच्चों के साथ हमारा रिलेशन भी अच्छा हो और उसके साथ बच्चों का बच्चों से रिलेशन भी बहुत अच्छा हो। इसके लिए हम जो है ग्रुप टीचिंग करवा सकते हैं उनको, ग्रुप असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए इस सेगमेंट पे, पीपीटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, खुद पीपीटी बना के लाएँ, उनको समझाएं, उन लोगों से बनवाएं और वो एक्सप्लेन करें। यहाँ पर पूरी तरह से हमें बच्चों को हेजिटेशन बिल्कुल रिमूव करना है, क्योंकि 10th के बाद और फिर 12th के बाद जो है उन लोगों को वो ऐसे ऐसे सेगमेंट में जाएंगे, ऐसे सेक्टर में जाएंगे, ऐसे कोर्सेज में जाएंगे जहाँ पर अगर उनका ज़रा सा भी हेजिटेशन रहा तो फिर वो आगे जो है वो बहुत अच्छा तरक्की नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। उसके साथ साथ जैसे साइंस एग्जीबिशन हैं, डिबेट्स हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन करवाएँ, ग्रुप डिस्कशन करवाएँ। दूसरी चीज़ के उनके कम्युनिकेशन स्किल को एक्सलेंट कर दें, यहाँ पर अब तक इस पोजीशन पे आके उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत एक्सलेंट करते हैं, उन पर वोकैबुलरी वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस कर काम कर किया जाए, उनकी मेंटरिंग बहुत अच्छी तरह से हो, और उसके साथ हमें ये डेवलप भी करना है कि उनको गुड सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत डेवलप करवा दें, यानी उनका IQ लेवल भी डेवलप करवा दें, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी होगी। साथ साथ स्किल डेवलपमेंट है उसको भी हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और इनकी जो हॉबीज़ है, इस एज में आके कुछ बच्चे जो है गलत हॉबीज़ में पड़ जाते हैं, उनकी नज़र हमें रखें, और अगर हम कोई गलत हरकत कर रहे हैं लाइक स्मोकिंग है, कुछ गुटखा पान मसाला इस तरह की चीज़ें, तो हम उनको बहुत ही प्यार से एक फ्रेंड होने के नाते उनको समझाएं, उनके जो ड्रॉबैक्स हैं इस स्मोकिंग और दूसरी चीज़ों के उनको बताएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह इस सेक्टर पे ये सेक्टर भी बहुत अच्छा या ये सेगमेंट भी जो है वो बहुत अच्छा काम करे, उसके बाद फिर आगे चल के ये हमारे जो है असाज़ा होंगे, हमारे जो है यही बच्चे जो है बहुत आगे चल के तरक्की करेंगे।
मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। आप लोग बहुत ही मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, उसमें लाइक कर रहे हैं, और मैं मेरी दरख्वास्त है कि इस मेरे इस वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे जिन लोगों ने मेरे चैनल को डॉक्टर बेग फोरम को नहीं सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, उसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।